संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर में क्या करें आप। जी डॉक्टर साहब, देखिए हाई ब्लड प्रेशर, हमेशा मैं आपको समझाता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर किसी को भी हो, कारण को जरूर समझने की कोशिश करिए, क्या वजह है उसकी। मानसिक तनाव है या कोई आपको एसिडिटी होती है, आपको गैस बनती है, तब उसका उपचार आप प्रॉपर रूप से करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से मैं देखता हूँ, आम तौर पर लोग एक गोली खाना शुरू करते हैं, बस गोली खा के निश्चिंत रहते हैं, कोई परवाह नहीं है कि क्यों ब्लड प्रेशर हो रहा है, कितना डैमेज अंदर कर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। थोड़ा सा इस पर चिंतन करना चाहिए, सोचने की कोशिश करनी चाहिए, क्या कर सकते हैं आप अगर हाई ब्लड प्रेशर है। कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूँ। एक चम्मच अगर त्रिफला चूर्ण आप रात को रोज खाएं तो क्या होगा, उससे पेट साफ रहेगा, आपका पाचन अच्छा रहेगा, गैस एसिडिटी आपको नहीं होगी, आपके ब्लड प्रेशर पर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। नियमित रूप से आप व्यायाम करें, रोज आधा पौना घंटा आप सैर करें, पैदल चलें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, उससे भी आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और ज्यादा आपको रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा प्राणायाम करें, ध्यान करें, आप 10-15-20 मिनट कोई मेडिटेशन करें, मंत्र जप करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसका पूरा रिसर्च हो चुकी है कि ब्लड प्रेशर पे और आपके हार्ट पर इसका डेफिनेटली असर पड़ता है। कुछ घरेलू चीजें हैं, लहसुन आपके घर में अगर है, एक कली लहसुन की थोड़ा सा उसको पेस्ट बना लें और एक गिलास छाछ के साथ उसको उसमें घोल के पिए रोज दिन में एक बार, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त तरबूज के बीज अगर मिले आपको तो एक चम्मच बड़ा तरबूज के बीज पीस लें और एक गिलास पानी में उसको बॉईल करें, आधा गिलास बचे उसको छान करके पिए, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। काफी सारी चीजें हैं, करके देखिए, कोशिश करिए, आपको डेफिनेटली 3-4 सप्ते में काफी फर्क पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे आप ये भी कोशिश करिए कि जो आप गोली खा रहे हैं उसको कैसे आप छुटकारा उससे पाए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं जो कि आपके रूट कॉज को ठीक करती हैं। आप किसी भी हमारी क्लिनिक में जाके संपर्क करें, हमारे डॉक्टर्स को फोन के माध्यम से संपर्क करें, अपने रोगों को दूर करें, अपने आप को स्वस्थ रखें।